हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट स्टडी एंड एक्सपेरिमेंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। जी हाँ, जैसे कि इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, डक्टिलिटी, ब्रिटलनेस, मेलेबिलिटी, टफनेस, हार्डनेस, स्ट्रेंथ, इन सभी के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो तो फ्रेंड्स, ऐसे ही इंडस्ट्रियल टेक्निकल वीडियोस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड वीडियोस इस यूट्यूब चैनल पर मैं अपलोड करता रहता हूँ। 830 से ज़्यादा वीडियोस जो हैं अब तक मैंने अपलोड कर दी हैं, और मैं रेगुलरली नए नए वीडियोस जो है वो अपलोड करता रहता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इलास्टिसिटी के बारे में। इलास्टिसिटी एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से अगर हम किसी मटेरियल को लोड दे करके डिफॉर्म करते हैं, या फिर कोई मटेरियल अगर लोड देने से थोड़ा सा अपने साइज और शेप में चेंज हो जाता है, लेकिन जैसे ही हम लोड हटाते हैं वो वापस अपने शेप में आ जाता है, इसी प्रॉपर्टी को कहा जाता है इलास्टिसिटी। अगर कोई बॉडी अपने शेप में वापस कंप्लीटली आ जाता है तो उसे परफेक्टली इलास्टिक कहा जाएगा। स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर, कंक्रीट को एक लिमिट तक इलास्टिक माना गया है, परफेक्टली इलास्टिक माना गया है एक लिमिट तक के। अब हम डिस्कस कर लेते हैं प्लास्टिसिटी को। समझने से पहले हम डिस्कस करेंगे इलास्टिक लिमिट के बारे में। आखिर इलास्टिक लिमिट क्या होता है? इलास्टिक लिमिट वो लिमिट है, वो एक लिमिट है कि जिसके जिससे अगर ज्यादा आप किसी मटेरियल को लोड दे देंगे उस लिमिट से ज्यादा, तो वो मटेरियल जो है वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगा। यानी कि किसी भी मटेरियल की एक इलास्टिक लिमिट होती है, अगर उस लिमिट से ज्यादा उसे खींचा जाए, उसे लोड दिया जाए, तो वो मटेरियल जो है वो परमानेंटली डिफॉर्म हो सकता है। उस लिमिट को इलास्टिक लिमिट कहा जाता है। अब बात करते हैं प्लास्टिसिटी के बारे में। अगर किसी मटेरियल को उसकी इलास्टिक लिमिट से ज्यादा स्ट्रेस कर दिया जाए, खींच दिया जाए, तो वो मटेरियल जो है वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाता है। यानी कि वो वापस अपने शेप को गेन नहीं कर पाता है, अपने डायमेंशंस को गेन नहीं कर पाता है, और इसी एबिलिटी को कहा जाता है प्लास्टिसिटी। अगर आपने किसी मटेरियल को लोड दिया, वो लोड देने के बाद में डिफॉर्म हो गया, और परमानेंटली वो डिफॉर्म हो गया, यानी कि वो अपने शेप को रीगेन नहीं कर पाया है, तो उसे कहेंगे मटेरियल की प्लास्टिसिटी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी एक प्रॉपर्टी है जो कि परमिट करता है किसी भी मटेरियल को लॉन्गिट्यूडनली ड्रॉन करने के लिए। और जैसे कि हम किसी तार को अगर खींचते हैं, टेंसाइल फोर्स उसमें लगाते हैं, तो वो मटेरियल, वो जो वायर है वो लंबा खींचते चला जाता है, उसके क्रॉस सेक्शन एरिया कम होती जाती है, और इसीलिए वो एक डायरेक्शन में जो है वो लेंथ उसका इंक्रीज हो जाता है। तो डक्टाइल मटेरियल जो है उसमें हाई डिग्री ऑफ प्लास्टिसिटी होती है और स्ट्रेंथ होती है। वायर ड्राइंग के लिए डक्टिलिटी का होना बहुत ही जरूरी है। स्टील की डक्टिलिटी काफी अच्छी होती है। तो दोस्तों, ये है आपकी डक्टिलिटी। अब हम बात करते हैं ब्रिटलनेस के बारे में। इट इज अ लैक ऑफ डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का जस्ट अपोजिट है ब्रिटलनेस। यानी कि इसमें अगर हम किसी मटेरियल, कोई अगर मटेरियल में ब्रिटलनेस ज्यादा है तो हम उसे टेंशन नहीं दे सकते, टेंशन दे करके उसे नहीं खींच सकते, स्ट्रेच कर सकते। उसमें थोड़ा सा अगर लोड पड़ेगा तो वो बिना किसी डिफॉर्मेशन के ही ब्रेक हो जाएगा। यानी कि जैसे कि ग्लास है, कास्ट आयरन है, सिरेमिक मटेरियल है, ये सारे ब्रिटल मटेरियल हैं। ब्रिटल मटेरियल ऐसे मटेरियल होते हैं जिन्हें हम ज्यादा टेंशन नहीं दे सकते। अगर हम उन्हें टेंशन देंगे तो एक लोड पर वो बिना किसी सिग्निफिकेंस डिफॉर्मेशन के ब्रेक हो जाएंगे। जैसे कि आपने देखा ही होगा, कांच जो है उसे हम खींच नहीं सकते, हल्का सा लोड देंगे, अगर वो हल्का सा भी गिर गया तो वो टुकड़ों टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है। उसी तरीके से कास्ट आयरन भी वैसी होता है और सिरेमिक मटेरियल भी होता है। नेक्स्ट है आपका मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी क्या होता है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल विच परमिट्स द मटेरियल टू बी एक्सटेंडेड इन ऑल डायरेक्शन विदाउट रैप्चर। मेलेबिलिटी एक प्रॉपर्टी है मटेरियल की
जो कि अलाउ करती है किसी भी मटेरियल को हर डायरेक्शन में एक्सटेंड होने की बिना किसी फेलियर के, जैसे कि डक्टिलिटी में लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में एक्सटेंड हो रहा था मटेरियल, लेकिन मैलेबिलिटी में हर एक डायरेक्शन में जो आपका मटेरियल है वो एक्सटेंड हो जाएगा बिना किसी फेलियर के। मैलेबिलिटी एक ऐसी एबिलिटी है जो कि शीट ड्राइंग में बहुत जरूरी है। शीट ड्राइंग के लिए मैलेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए मेटल की। मैलेबिलिटी मटेरियल पजेस अ हाई डिग्री ऑफ प्लास्टिसिटी बट नॉट नेसेसरी ग्रेट स्ट्रेंथ। जो मैलेबल मटेरियल है उसमें हाई डिग्री होती है प्लास्टिसिटी की, यानी कि वो परमानेंटली डिफॉर्म हो सकता है बहुत अच्छे से, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हो। नेक्स्ट है आपका टफनेस। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच इनेबल्स इट टू एब्जॉर्ब एनर्जी विदाउट फ्रैक्चर। टफनेस एक ऐसी प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की जो उसे एनर्जी एब्जॉर्ब करने की क्षमता प्रदान करती है बिना किसी फेलियर के, बिना किसी फ्रैक्चर के, यानी बिना ब्रेकडाउन के। इट इज डिजायरेबल इन मटेरियल विच इज सब्जेक्टेड टू साइक्लिक एंड शॉक लोड। ऐसे मटेरियल जिन पे साइक्लिक और शॉक लोड, यानी कि अचानक से लोड उसमें कम ज्यादा होता है, वेरी करता है, ऐसे मटेरियल में ज्यादा होना चाहिए टफनेस। अब बात करते हैं हार्डनेस की। हार्डनेस एक एबिलिटी है मटेरियल की जो रेजिस्ट करती है कि उसके सरफेस पे कोई एब्रेशन ना हो, यानी कि अगर कोई मटेरियल हार्ड है तो उसके ऊपर अगर किसी और मेटल से या किसी और ऑब्जेक्ट से अगर हम उसमें फोर्स अप्लाई करेंगे, लोड देंगे, तो वो जल्दी से उसमें कोई भी तरह का एब्रेशन नहीं आएगा, वियर आउट नहीं आएगा उसके सरफेस में। ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट को यूज किया जाता है किसी मटेरियल को की हार्डनेस को चेक करने के लिए। हार्डनेस बहुत जरूरी है कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स पर जहां पर सरफेस टू सरफेस कॉन्टेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या होता है? दिस प्रॉपर्टी इनेबल्स मटेरियल टू रेजिस्ट फ्रैक्चर अंडर लोड। स्ट्रेंथ जो है एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो किसी भी मटेरियल को इनेबल करती है कि वो लोड को सह सकता है बिना फ्रैक्चर हुए, है ना। यानी कि अगर किसी मटेरियल का स्ट्रेंथ अच्छा है तो वो जल्दी फेल नहीं होगा, वो लोड ले सकता है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी फ्रॉम डिजाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू। किसी भी इक्विपमेंट की डिजाइनिंग से पहले उस मटेरियल, उस मेटल का स्ट्रेंथ एनालिसिस किया जाता है, और यही कहा गया है यहां पर। लोड रिक्वायर्ड टू कैउस फ्रैक्चर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ टेस्ट स्पेसिमेन इज टर्म्ड एज अल्टीमेट। सपोज करते हैं हम किसी एक टेस्ट स्पेसिमेन को लिए हैं, यानी कि किसी एक रॉड को लिए हैं, चलिए मेटल के, तो उस रॉड को अगर हम लोड देते हैं तो जितने लोड पर वो फ्रैक्चर हो रहा है, यानी टूट जा रहा है, जितने लोड पर वो फेल हो जा रहा है, उस लोड को अगर हम डिवाइड कर देते हैं उस रॉड के एरिया से, क्रॉस सेक्शन एरिया से, तो हमारा जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है वो निकल जाएगा उस रॉड का, यानी कि वो किसी भी मेटल का हो चाहे वो रॉड, अल्टीमेट स्ट्रेंथ निकालना जाता है इस फॉर्मूले से। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिसे हमने डिस्कस किया है इस वीडियो में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगे और आपको काफी पसंद आए होंगे। अगर 1% भी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक लाइक तो जरूर कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।